हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो कि टाइम और वर्क से रिगार्डिंग है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। यहां पर दिया हुआ पूजा कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। मतलब जो पूजा है, पूजा वो क्या होता है, जो 1/2 वर्क है वो क्या था, 8 डेज में काम कंप्लीट कर लेती है। ठीक है ना, तो जो मतलब 50% वर्क, मतलब 1/2 को 8 दिन में करती है, तो जो 100% वर्क होगा उसे क्या 16 डेज में काम कंप्लीट करेगी। ओके, अब इस तरह से हम लोग प्रिंसी का देखते हैं। ये दिया हुआ है प्रिंसी, ये कहता है व्हाइल प्रिंसी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। मतलब अगर प्रिंसी है वो क्या होगा, किसी काम का 1/3 वो क्या 6 डेज में काम कंप्लीट करती है, तो जो क्या 100% वर्क होगा वो क्या इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18 डेज हो जाएगा। मतलब क्या, अगर वो प्रिंसी किसी काम का 100% वो 18 डेज में काम कंप्लीट कर लेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसको कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक बताया हुआ पहले से, तो हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि आपको निकालना है टोटल यूनिट वर्क। ठीक है, यहाँ पर निकालना है आपको टोटल यूनिट वर्क, जो कि टोटल यूनिट वर्क कितना किया गया है। तो टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालोगे, आप एलसीएम लेके निकालोगे। और दूसरा आपको निकालना है यूनिट पर डे, कि दोनों के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट वर्क किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ निकालेंगे हम लोग टोटल यूनिट। टोटल यूनिट क्या होगा, टोटल यूनिट होगा आपका एलसीएम ऑफ 16,18। तो हमारा जो एलसीएम इसका निकालेंगे वो आ जाएगा 144, जो कि यूनिट आ जाएगा 144 यूनिट। तो हमारा क्या पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, टोटल यूनिट वर्क निकाल लिया। अब हमको निकालना है यूनिट पर डे निकालना है। तो यूनिट पर डे के लिए अब हम निकालेंगे पूजा का, कि वो एक यूनिट पर डे मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करती है। तो इसके लिए आपको निकालना है यूनिट पर डे के लिए यूनिट लिखना पड़ेगा। तो टोटल यूनिट 144 है आपका, डे डे कितना है वो 16 दिया हुआ है, तो 16 × 144 तो 9 यूनिट पर डे आ गया। मतलब पूजा एक दिन में 9 यूनिट वर्क करती है। इस तरह से आप निकालेंगे प्रिंसी का, तो प्रिंसी का यूनिट पर डे के लिए यूनिट, तो टोटल यूनिट कितना 144 है अपॉन डेज, डेज कितना 18 हो गया, 18 × 144। तो क्या होगा 8 यूनिट पर डे इसका आ गया, 8 यूनिट पर डे आ गया। मतलब कि प्रिंसी एक दिन में 8 यूनिट वर्क करती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो अगर पूजा का यूनिट पर डे प्लस प्रिंसी का यूनिट पर डे हम उसको ऐड करते हैं तो वो कितना काम कर पाएंगे। तो कितना हो गया 8 + 9, तो हो जाएगा यहाँ पर 17, क्योंकि दोनों का यूनिट पर डे ऐड कर देंगे तो 17 यूनिट पर डे आ जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि ये क्या, प्रिंसी है जो एक दिन में 9 यूनिट वर्क करती है और प्रिंसी है जो 8 यूनिट पर डे काम करती है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 17 यूनिट पर डे आ जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज हाउ लॉन्ग, तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो डेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका टोटल यूनिट, कि हमको एक्चुअली करना कितना यूनिट काम है, तो टोटल यूनिट अपन दोनों के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट पर डे काम किया गया, तो यूनिट पर डे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा आपका डेज निकल आएगा। तो टोटल यूनिट हमने फाइंड आउट किया है 144 है और एक दिन में वो 17 यूनिट काम करती हैं, तो 17 यूनिट, तो हमारा इतना डेज हमारा काम आ गया। ये हो गया 144/17 डेज, ये आपका आंसर है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 144/17 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस ट्रिक का किस तरह से यूटिलाइज करना है, यूज करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।